ज्ञान के द्वारा ही संसार से पार पाया जा सकता है। माता देवहूति कहती है, मेरी जिज्ञासा है, मैं जानना चाहती हूं प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश देते हैं, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र सुखस्य च दुखस्य च। माता जी, योग का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, वो मार्ग है जो सुख और दुख से ऊपर उठा देता है। वह योग का पथ, अध्यात्म का पथ कैसे मिलेगा? बोले इसके लिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। उपाय ये है, जो तितिक्षु है, कारुणिक है, सबका सुहृद है, जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई अपना पराया नहीं है, जो सबका हित चाहता है, खुद तप ताप सहता है, तप करता है, दूसरों को उसका लाभ देता है, ऐसे संत की शरण में चले जाओ। संत आपको उपदेश करेंगे। क्या करेंगे? संसार से जो हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है, जो संसार से हमारा बंधन जकड़ गया है, उससे हमें हटा देंगे। अपने उपदेश से, अपने सत्संग से संसार के मिथ्यात्व का बोध करा देंगे कि ये नश्वर है, मिटने वाला है, छूटने वाला है, जो सदा रहता ही नहीं, जो पकड़ में आ सकता नहीं, उसमें क्यों उलझे हो। ईश्वर का बोध करा कर कि वही सत्य है, उसी से जुड़ो। तो जब भगवान की बातें सत्संग में मिलेंगी तो हमारी भगवान में रति हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा।